everyone, this is Kanishka. Welcome back to my channel. This is a Ganesh Chaturthi special video. So, आज मैं गणेश जी की एक आइडल बनाऊंगी with the help of clay. So, without wasting any time, let's start the video. मैं यहाँ पे फेविक्रिल molded clay use करूंगी. जल्दी से दोनों compounds को अच्छे से mix करके एक गोला बना लूंगी. अब थोड़ा सा powder use करके इसको smooth कर लूंगी. एक स्क्वायर MDF बोर्ड बेस के लिए रखेंगे. बड़े गोले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी. फिर स्केल से एक छोटे गोले को फ्लैट कर लूंगी. वाटर की हेल्प से मैं एंड्स को स्मूथ करूंगी. सो गाइस, हमारा बेस रेडी हो चुका है. जो हमारा दूसरा छोटा गोला था उसे मैं रोल कर लूंगी. एंड नाउ इट्स टाइम टू कट द केक. रोल को 6 पार्ट्स में कट करने के बाद मैं इनके गोले बना लूंगी. फिर मैं मोल्ड करके इनको लीफ का शेप दूंगी. सेम प्रोसेस रिपीट करके मैं 5 लीव्स रेडी करूंगी. फिर मैं इन लीव्स को बेस के ऊपर एक एक करके प्लेस करूंगी. सारी लीव्स प्लेस हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब मैं एक पॉइंटेड टूल की हेल्प से इन पत्तियों पर डिटेलिंग करूंगी. मैं इस टूल को पानी में डिप करके यूज कर रही हूँ ताकि डिटेलिंग स्मूथ आए. डिटेलिंग्स कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब मैं 2 छोटे गोले ले रही हूँ जिनसे मैं गणेश जी के पैर बनाऊंगी. अब मैं दोनों पैरों को बेस के ऊपर प्लेस करूंगी. अब मैं गणेश जी की बॉडी बना रही हूँ. अब मैं थोड़े और डिटेल्स ऐड करूंगी. गणेश जी का सर बनाने के लिए मैं थोड़ी क्ले लेकर उसे ऐसा शेप दूंगी. अब मैं सूंड को सर से अटैच करूंगी. थोड़ा पानी लेकर इसको स्मूथ करूंगी ताकि कोई जॉइंट ना दिखे. कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. सूंड को ट्विस्ट करके उसे प्रॉपर शेप देंगे. अब मैं गणेश जी के हाथ अटैच करूंगी. दूसरे हाथ में मैंने पहले से ही थोड़ी सी डिटेलिंग करके रखी है, उसको भी मैं अटैच कर दूंगी. दूसरे हाथ में भी मैं फिंगर्स की डिटेलिंग्स दूंगी. मुझे गणेश जी के कान सबसे क्यूट लगते हैं तो अब मैं इनके क्यूट से कान अटैच करूंगी. मैंने एक छोटा सा चूहा भी बनाया है जिसे मैं उनके चरणों पे प्लेस करूंगी. अब मैं इसकी क्यूट सी पूंछ भी अटैच कर दूंगी. कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका नाम हम क्या रखें. अब हम गणेश जी को पगड़ी पहनाएंगे. आप कोई भी एरिया को पानी की हेल्प से ऐसा चिकना कर सकते हैं. कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब मैं अपने फेवरेट अक्रेलिक कलर की हेल्प से इन्हें पेंट करूंगी. स्किन कलर बनाने के लिए मैं वाइट, येलो और रेड को मिक्स कर रही हूँ. अब मैं फ्लैट ब्रश की मदद से इसे स्किन एरिया में अप्लाई करूंगी. पेटल्स को मैं सी ग्रीन कलर का पेंट करूंगी. हाइलाइटिंग के लिए मैं स्किन कलर में और रेड कलर मिक्स करके एक डार्क शेड बनाऊंगी और उसे अप्लाई करूंगी. सूंड पे भी हाइलाइट्स देके हम उसे और डेप्थ देने का ट्राई करेंगे. धोती में मैं येलो कलर और पगड़ी में मैं बेबी पिंक कलर पेंट करूंगी. बेस को मैं ग्रे कलर से पेंट करूंगी. पेटल्स और पगड़ी में भी मैं डार्क शेड से हाइलाइटिंग करूंगी. अब मैं गणेश जी के एक्सप्रेशंस पेंट करूंगी. मैंने यहाँ पे माउस पे भी डिटेलिंग्स दी हैं और हाथ में ओम लिखा हुआ है. अब जल्दी से मैं इसमें वार्निश अप्लाई करूंगी
ताकि ये कभी भी खराब ना हो। वार्निश की एक लेयर अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज हाउ द फाइनल पीस विल लुक लाइक। अगर आपको मेरा प्रोसेस पसंद आया हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।